अगर तुझे कोई काम करने में डर लग रहा है तो तू रुकना मत, क्योंकि अगर तू रुक गया तो तू वहीं हार जाएगा। तुझे रोकने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर तुझे आगे बढ़ना होगा, तुझे उनसे लड़ना होगा। तू हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि हारने वालों को उतना ही मिलता है जितना जीतने वाले छोड़ देते हैं। यह 16 साल का बच्चा भी उस दिन रुक सकता था जब सामने वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे थे। सब लोग इस बच्चे को देखकर हंस रहे थे। वकार यूनिस की पहली गेंद और सीधा इस बच्चे के नाक पर और पूरा पिच खून से लथपथ। सब इस बच्चे को देखकर तरस खा रहे थे और बोल रहे थे, मत खेल, रुक जा। पर इस बच्चे ने जानते हो क्या बोला, मैं खेलूंगा। और फिर क्या था, वकार की अगली गेंद और इस बच्चे ने सीधा चौका मारा और इंडिया को उस मैच को हारने से बचा लिया। सोच, अगर इस बच्चे ने हार मान लिया होता और लोगों की बात पर आकर रुक जाता तो शायद हमें क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कभी मिल ही नहीं पाता। क्यों रुकना चाहता है तू? तुम ये सोचो कि तुमने इस काम को शुरू क्यों किया था जब तुझे रुकना ही था। क्या तेरे रुकने से तेरे एग्जाम में टॉप करने का सपना पूरा हो जाएगा, एग्जाम क्रैक करने का सपना पूरा हो जाएगा, तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तब तू रुक जा। नहीं रुकना, किसे बोलते हैं इस आदमी से सीख। इसका नाम है निक वुजिसिक। जब यह बंदा पैदा हुआ था ना, किसी बीमारी की वजह से निक के पास न ही पैर थे न ही हाथ। पैर के नाम पर इसके पास बस दो उंगलियां थी। पर यह बंदा रुकने वाला कहाँ था? इसी दो उंगलियों से इसने स्विमिंग करना, लिखना, सर्फिंग करना और तो और कंप्यूटर में टाइपिंग करना सीख लिया। इसी दो उंगलियों से इसने अपने बालों में कंघी लगाना भी सीख लिया। अपने दम पर इसने दो कंपनी खोल डाली और यह बंदा आज 350 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है। और इसके मोटिवेशनल स्पीचेस लाखों लोग सुनने आते हैं। यहाँ तक इसने एक किताब भी लिख डाली जो आज बेस्ट सेलर है। निक वुजिसिक का यह कहना है, बस सोचने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, और जिस दिन तुमने एक्शन ले लिया तुम्हारी जिंदगी वहीं से बदल जाएगी। पर तू क्यों रुकना चाहता है? तेरी हालत तो निक से तो बढ़िया ही होगी ना। तो सुन, अब जब भी तुझे रुकने का मन करे ना तो इस बंदे को याद कर लेना और फिर से एक बार और कोशिश करना, और तब तक मत रुकना जब तक तू अपने सपने को पूरा नहीं कर लेता है। ऐसा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने बोला है, जो खुद 1000 बार से भी ज्यादा फेल हो चुके हैं। कभी रुकना मत, आज कठिन है, कल का दिन उससे भी खराब होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरी कही हुई बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल फैक्ट सूत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाते रहता हूँ जो आपको हर दिन मोटिवेट करता हो।